हेलो गाइस, वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे रील्स, वो भी ऐसी वैसी नहीं, क्रिंज से भरी हुई। तो बिना टाइम वेस्ट करके देखते हैं रील्स। और लड़कियां कहती हैं आजकल कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं, कैसे मिलेगा, मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं। भाई पहले अपनी आंखें तो खोल ले। और क्या कह रहा है कि घर से बाहर भी नहीं निकलता? भाई निकलना भी मत, वरना कोई बोरे में डाल के ले जाएगा अपने घर। चुप रहता हूँ फिर भी लोग जलते हैं, हम अपनी खामोशी में इतना दम रखते हैं। भाई एक बात बता दे, अगर लोग जल रहे हैं तो तू क्यों काला हो रहा है? भाई और मुझे तुझ पे नाज हो रहा है। सो दोस्तों, मैं हूँ भयानक परी। शो। अरे दीदी तुम भयंकर परी नहीं, भयंकर नारी लग रही हो। और अगर कोई बच्चा तुम्हें रात में देख लेना तो उसका डर के कारण उसे नींद भी ना आए और उसका मूड भी निकल जाए। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। अरे दीदी अपनी सुंदर सी शक्ल तो दिखाओ पहले। तेरे प्यार में जीती मरती हूँ। और दीदी इसे प्यार नहीं कहते, इसे दौरा कहते हैं। और तुम्हें दौरा पड़ता है, कोई इसका इलाज करवाओ। सेनापति जाओ, जाके राजकुमार से बोल दो कि राजकुमारी विवाह नहीं करेंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझसे झूठ बोला है। पालक की सब्जी के जगह पे उन्होंने मुझे डाई मेहंदी खिला दिया है, इसलिए मैं नाराज हो गई हूँ और मैं विवाह नहीं करूँगी। जाओ। एक मिनट, ये राजकुमारी नहीं है, राज बीमारी है। और राजकुमार ने तो बहुत गलत किया इसे डाई मेहंदी खिलाकर, इसे तो डाई गोबर खिलाना चाहिए। कुछ भी। अरे भाई मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिल्ली दूध क्यों नहीं पी रही है, लगता उसे बीमारी हो गई है, पर उसे तो महामारी हो गई है यहाँ पे। दिल विल के चक्कर में मत पड़ो, वरना आने वाले जमाने में चक्कर आ जाएगा कमाने में। बस भाई बस, ज्यादा जोर मत लगा वरना बम से दम निकल जाएगी तेरी, और साइड से तू जॉम्बी लग रहा है। भाई एक बात बोलनी थी, तूने बॉडी तो बहुत अच्छी बनाई है, बातें भी एटीट्यूड वाली है, और लगता भी तू बदमाश है, लेकिन तुझमें फिर भी कुछ कमी लग रही है। अरे देखो भाई बच्चे को लात मार दी इसने। अरे भाई तुझे यही जगह मिली थी अपना टूटा फूटा कलाकारी डांस दिखाने के लिए, या फिर कहीं साइड में कर लेता अपना ये डांस, या फिर ये कलाकारी जो तू कर रहा है। भाई ये लोग साइड में क्यों डांस करेंगे, इन्हें तो बीच में करना है, मेले की बीच में ने डांस करना है, फिर कंटेंट बनाना है, क्रिंज फैलाना है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। भाई सब कुछ ठीक है, इसकी चाल भी ठीक है, कपड़े भी ठीक है, पर इसकी जो बॉडी है ना उसपे इसका फेस नहीं मैच कर रहा है। गाइस चॉकलेट किस किस को पसंद है? चॉकलेट खाओगे? मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चॉकलेट खानी है? अच्छा मैं हूँ चॉकलेट। हाँ ना चॉकलेट ही हो तुम। चॉकलेट से भी बढ़कर हूँ, चॉकलेट की जो डेरी मिल्क से भी जो ऊपर होती है ना बबली बबल। अरे भाई अरे मुझे तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये जले हुए बैगन को चॉकलेट बता रही है। अरे दीदी अपनी आंखों पर चश्मा लगवाओ, जिसे तू चॉकलेट बता रही है ना वो कभी सही ना होने वाली बीमारी है एक। मैं क्यों किसी और को देखूं? मेरा वाला किसी से कम है क्या? अरे दीदी तुम क्यों किसी को देखोगी, इस वीडियो के बाद सब तुम्हें देखेंगे कि तुमने क्या चूतियापा किया है। और दादाजी को तो व्हीलचेयर पर होना चाहिए, पर इस उम्र में दादाजी फरारी की सवारी कर रहे हैं। अरे आराम से दादाजी, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट के चक्कर में आप निकल ना जाएं। मैं क्यों किसी और को देखूं? मेरा वाला किसी से कम है क्या? अरे भगवान ये कैसा जुल्म है तेरा, हम यहाँ सिंगल मरे जा रहे हैं और इस अंकल को लड़की मिल गई, और ये एक साल की उम्र बची होगी इसकी ज्यादा से ज्यादा, और इसे इतनी सुंदर लड़की मिल गई।
ये सब ढूंढो कि चार लोग पूछे कि बहन कितने सोमवार किए थे। अरे भाई 16 सोमवार का व्रत का फल इतना बेकार तो नहीं होता जहाँ तक मुझे पता है। अरे दीदी ये किसी व्रत का फल नहीं है, लगता तुम्हें किसी की बद्दुआ लगी है। लोग जलते हैं हम दोनों को देखकर, इनकी बातों पर यकीन मत करा कर। के लोग जलते हैं हम दोनों को देखकर, इनकी बातों पर यकीन मत करा कर। मैं सिर्फ तुझ पे मरता हूँ, तू भी सिर्फ मुझ पे मरा कर। अरे भाई ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? क्योंकि देख रहे हो इस अंकल को लाइट जाने पर दिखाई ना दे, इसे टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ेगा। उसे इतनी सुंदर लड़की मिल गई और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग बेकार है, हम लोगों की जिंदगी। मैंने 2 शादियां की है, 1 और 2, लेकिन अब मेरा मन कुछ कुछ और हो रहा है कि 1 अगर और हो जाती तो बहुत मजा आता। आपका क्या विचार? देख रहे हो भाई दादाजी को पता है कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर भी दादाजी हमसे ही पूछेंगे, लगता है जले पर नमक छिड़क रहे हैं। और जब दादाजी को पता है कि हम लोगों के पास 1 भी बंदी नहीं है, फिर भी अनजान बनकर राय भी मांग रहे हैं कि हमें 3री शादी करनी चाहिए या नहीं। अरे अंकल जी चले जाओ, वरना सुसाइड करने के बाद सुसाइड नोट में आपका ही नाम लिख दूंगा मैं। अरे भाई थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते तो अच्छा डांस कर लेते, पर नहीं इन्हें तो कंटेंट बनाना है इसीलिए ऐसे ही डांस करेंगे टूटा फूटा। अरे भाई तुम्हें क्या लगता है लोग तुमसे पूछेंगे कि ये डांस कहाँ से सीखा? पर नहीं, लोग तुमसे पूछेंगे कि ये बीमारी तुम्हें लगी कहाँ से। और भाई तुमको टेंशन मत लेना, तुम्हारे कॉम्पिटिशन करने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा और अपलोड करने के लिए वीडियो तो कोई भी नहीं। भाई इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि इसका पति काम पर चला गया और ये नौकर के साथ वीडियो बना रही है। और भाई मैं कुछ गलत कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तू आंखें मत दिखा, मैं डर गया हूँ बहुत ज्यादा। और भाई कुछ वीडियो में तू ये ऐसे खड़ा रहता है जैसे ये कोई शोपीस हो। भाई ये कितना मजबूर होगा जो ऐसे वीडियो बना रहा होगा, इसके लिए तो मुझे तरस आता है। और इसकी क्या मजबूरी रही होगी जो ऐसे वीडियो बना रहा है। ओके गाइस दैट इज माय टुडे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट में बता दे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।